Hi guys, my name is Bhavya Parik and I welcome you all to Coachify CLAT. आज हम हमारी जीके की सीरीज कंटिन्यू करेंगे विथ नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स. ये लिस्ट कॉम्प्रहेंसिव है पर एग्जॉस्टिव नहीं, तो आपको ये टॉपिक्स डिटेल में ज़रूर पढ़ने हैं. आइए शुरू करते हैं. सलीम उल हक, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? सलीम उल हक जिनका रिसेंटली निधन हो गया है, वो इनमें से किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे? साइंटिस्ट, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, इकोनॉमिस्ट या राइटर? तो सलीम उल हक वॉज अ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट. प्रोफेसर सलीम उल हक अ प्रोमिनेंट एडवोकेट फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस एंड द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट. किसके डायरेक्टर थे ये? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर थे इन ढाका. पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. As of 23, which cricket team is the most successful in ODI World Cups? 2023 के तक कौन सी क्रिकेट टीम ODI World Cups में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स दिस रिकॉर्ड विद 73 विन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ग्लोबल सोलर फैसिलिटी इज एसोसिएटेड विद विच ब्लॉक? ग्लोबल सोलर फैसिलिटी इनमें से किस ब्लॉक से एसोसिएटेड है? G7, G20, ISA या UNEA? तो इसका सही आंसर है ISA. ग्लोबल सोलर फैसिलिटी अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज पॉइज्ड टू सिक्योर अ कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ $35 million विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्टेम्पलेटिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $25 million एज इट्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है? $25 million और टोटल कितना है? $35 million. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ SET प्लेन्स विच वर रिसेंटली परमिटेड बाय DGCA? DGCA ने रिसेंटली SET प्लेन्स को परमिशन दी है. SET प्लेन्स की फुल फॉर्म क्या है इनमें से? सिंगल इंजन टर्बाइन प्लेन्स, स्पीड एनहांस्ड टर्बाइन प्लेन्स, स्टील इंजीनियर टर्बाइन प्लेन्स या स्टील इंजन टर्बाइन प्लेन्स? तो इसका सही जवाब है सिंगल इंजन टर्बाइन प्लेन्स. रिसेंटली DGCA हैज परमिटेड शेड्यूल्ड कम्यूटर एयरलाइंस टू ऑपरेट सिंगल इंजन टर्बाइन प्लेन्स एट नाइट. कब, किस टाइम पर कम्यूट की बात कर रहे हैं? तो एट नाइट की बात कर रहे हैं. विच फुटबॉलर प्लेयर हैज़ वन द बैलन डी ऑर प्राइज फॉर द बेस्ट प्लेयर? ये एक थोड़ा सा गलत लिखने में आ गया. विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ वन द बैलन डी ऑर प्राइज फॉर द बेस्ट प्लेयर? लियोनल मेसी, अर्लिंग हैलैंड, काइलिन मबाप्पे या क्रिस्टिनो रोनाल्डो? इनमें से किसने बैलन डी ऑर अवार्ड को जीता है? तो इसका सही आंसर है लियोनल मेसी. लियोनल मेसी वन द 8th बैलन डी ऑर ऑफ हिज करियर, वाइल स्पेन्स वर्ल्ड कप विनिंग स्टार इतेना बोनमाती टुक द वुमेन्स प्राइज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. गैनमेट इज द लार्जेस्ट मून ऑफ विच प्लैनेट? गैनमेट इनमें से कौन से प्लैनेट का लार्जेस्ट मून है? जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मर्क्यूरी? आई होप सबको प्लैनेट्स के नाम याद है. माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स, जिसमें से प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट. तो गैनमेट इनमें से कौन सा प्लैनेट का लार्जेस्ट मून है? तो इसका सही जवाब है जुपिटर. नासाज जूनो मिशन हैज़ अचीव्ड अ नोटेबल माइलस्टोन बाय डिटेक्टिंग मिनरल सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ गैनमेट विच इज जुपिटर्स लार्जेस्ट मून. क्या डिटेक्ट किया है? मिनरल सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द सर्फेस ऑफ गैनमेट विच इज जुपिटर्स लार्जेस्ट मून. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच कंट्री? क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड जो कि रिसेंटली न्यूज में देखी गई थी, ये हेरिटेज साइट इनमें से कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? चाइना, साउथ अफ्रीका, ग्रीस या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है साउथ अफ्रीका. इन साउथ अफ्रीका पेलियोन्टोलॉजिस्ट हैव मेड अ फाइंडिंग चैलेंजिंग द नोशन दैट ह्यूमंस क्रिएटेड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन बरियल साइट्स. तो हमारे लिए डिटेल्स में जाने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ये इंपॉर्टेंट है कि क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रेयर अर्थ्स? इनमें से कौन सी कंट्री वर्ल्ड की लार्जेस्ट सप्लायर है ऑफ रेयर अर्थ्स? तो रेयर अर्थ मिनरल्स सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सप्लाई करते हैं? इंडिया, ब्राज़ील, चाइना या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर है चाइना. चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रेयर अर्थ्स एंड हैज़ बीन प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेयर अर्थ्स इंडस्ट्री फॉर ओवर 60 years. इसीलिए इनकी काफ़ी डेवलप्ड इंडस्ट्री है.
Which city is the host of World Travel Market 2023 event? इनमें से कौन सी सिटी वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 को होस्ट कर रही है? लंदन, न्यू दिल्ली, पेरिस, रोम. तो इसका सही आंसर है लंदन. और इंडिया से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 इन लंदन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन्फ्यूज मिशन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी? इन्फ्यूज मिशन इनमें से किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है? इसरो, नासा, जाक्सा या ESA? तो इसका सही जवाब है नासा. नासा लॉन्च्ड अ न्यू साउंडिंग रॉकेट टू स्टडी अ स्टेलर इवेंट इन द सिग्नस लूप विच इज अ सुपरनोवा रेमिनेंट दैट टुक प्लेस 20,000 ईयर्स अगो. देन अगेन डिटेल्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्यूज मिशन किसका है? नासा का. नाउ हमने नासा के बहुत सारी न्यूज़ कवर कर ली है, तो आप कर क्या सकते हो? नासा का एक बंडल बना लो, हेडिंग डालो नासा, और अब तक जितने भी वन लाइनर्स हैं वो सारे उसके नीचे लिख लो ताकि जब रिवाइज करो तब आसानी रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच कंट्री प्रपोज्ड अ प्लान टू ऐड इंडिया टू द एक्सटेंडेड लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट्स? इनमें से कौन सी कंट्री ने अभी प्लान प्रपोज किया है टू ऐड इंडिया इन टू द लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट्स? रशिया, नॉर्थ कोरिया, UK या ऑस्ट्रेलिया? तो सेफ स्टेट्स की कहानी है क्या? अगर आप में से किसी ने डंकी मूवी देखी हो तो उसमें भी ये दिखाया था. पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. तो इसका सही आंसर है UK गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड अ प्लान टू ऐड इंडिया टू द लिस्ट ऑफ सेफ स्टेट्स. क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? तो अगर किसी ने डंकी मूवी देखी हो तो उसमें भी ये दिखाते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स जो होते हैं, इलीगल तरीके से जो लोग UK पहुँचते हैं, वो अपने आप को रेफ्यूजी डिक्लेयर करवा देते हैं वहाँ पर कि हम रेफ्यूजीज़ हैं, हम हमारी कंट्री में सेफ नहीं हैं और हम असाइलम सीख करना चाहते हैं, यानी शरणार्थी बनना चाहते हैं आपके यहाँ पे. तो और वो असाइलम सीख करने के बहाने से वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं. तो अब UK ने ये कहा है कि वो इंडिया को सेफ स्टेट में डाल देगा जिससे कि जो लोग जाते हैं वो इस तरीके से सिटीजनशिप ना ले सकें. तो कहाँ पर हुआ ये चीज़? UK में. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Which Union Ministry released the Digital Advertisement Policy 2023? इनमें से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023 को रिलीज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अप्रूव द कम्प्रिहेंसिव डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2023. इट एम्स टू एम्पावर द CBC, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, टू कंडक्ट कैंपेन्स इन द डिजिटल मीडिया रेल्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एज पर IQAir's AQI डेटा, विच वॉज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड विथ एन एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 287? IQAir के डेटा के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी वर्ल्ड की सबसे पॉल्यूटेड सिटी थी विथ एन एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ 287? ढाका, न्यू दिल्ली, टोक्यो या वॉशिंगटन? तो ये दिवाली के एक दिन बाद रिलीज़ हुई थी रिपोर्ट, और इसमें न्यू दिल्ली जो थी वो सबसे पल्यूटेड सिटी बताई गई थी. न्यू दिल्ली वॉज रैंक्ड एज द मोस्ट पल्यूटेड सिटी अकॉर्डिंग टू अ रैंकिंग बाय स्विस एयर प्योरीफायर कंपनी IQAir, और इसमें इंडिया की 3 सिटीज टॉप 5 में थी. मतलब टॉप करने की जगह नहीं है ये, पर इंडिया ने किया है टॉप यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सस्पेंडेड विच क्रिकेट टीम आफ्टर गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द नेशनल बोर्ड? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनमें से कौन सी क्रिकेट टीम को सस्पेंड किया है आफ्टर उनकी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया है उनके नेशनल बोर्ड में? इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान या नेदरलैंड्स? तो इसका सही जवाब है श्रीलंका. श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को ICC ने सस्पेंड कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री? पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट इनमें से किस यूनियन मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ MSME? इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ कोल. मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज इनिशिएटिंग अ प्रोजेक्ट टू एस्टैब्लिश पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इन रिक्लेम्ड कोल माइंस, कैपिटलाइजिंग ऑन द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग्स एंड फाइनेंशियल फीजिबिलिटी. अगेन दीज डिटेल्स आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द फैक्ट कि पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच सिटी मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लाइटिंग 22.23 लाख अर्दन लैम्प्स ऑन द ईव ऑफ दिवाली? इनमें से कौन सी सिटी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बाय लाइटिंग 22.23 लाख दियाज दिवाली की शाम को? वाराणसी, अयोध्या, मैसूरू या भोपाल?
तो इसका सही जवाब है अयोध्या. अयोध्या ने ये रिकॉर्ड बनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मार्स सैंपल रिटर्न मिशन इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री. मार्स सैंपल रिटर्न मिशन इनमें से किस कंट्री से एसोसिएटेड है. तो हुआ ये है कि ये जो मिशन था उसका बजट जो है वो इतना एक्सीड कर गया है कि यहाँ पे स्पेस एजेंसी के पास उसको और फंड करने के लिए पैसे नहीं हैं. तो हो सकता है इसको थोड़े टाइम के लिए सेटबैक करना पड़े इस प्रोजेक्ट को. तो ये मार्स सैंपल रिटर्न मिशन है कौन सी कंट्री का. इसराइल, UAE, USA या रशिया. तो इसका सही जवाब है USA. नासा का मिशन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच कंट्री हैज़ प्लेज टू इन्वेस्ट $1.07 billion ऑन पोलर रिसर्च. इनमें से किस कंट्री ने वादा किया है टू इन्वेस्ट $1.7 billion ऑन पोलर रिसर्च. USA, UK, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया. तो इसका सही जवाब है फ्रांस. फ्रांस हैज़ प्लेज टू इन्वेस्ट 1 billion euros या फिर $1.07 billion इन पोलर रिसर्च बाय द ईयर 2030. अमाउंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि किस पे इन्वेस्ट करना है. पोलर रिसर्च पे और बाय द ईयर 2030. ये दो चीज़ें इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एंटिसिपेटरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लान. इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है एंटिसिपेटरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लान. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वर्ल्ड बैंक. तो इसका सही आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. द एंटिसिपेटरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लान वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सदर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. सदर फेस्टिवल इनमें से किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है. उससे पहले क्विकली वील डू द कैपिटल्स. गोवा के कैपिटल पणजी. तेलंगाना के कैपिटल हैदराबाद. केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम. पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़. तो अब इनमें से सदर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है तो इसका आंसर देखते हैं. हैदराबाद में सेलिब्रेट हो रहा है सदर फेस्टिवल. यानी क्या आंसर हो गया इसका. तेलंगाना. तो सदर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. तेलंगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. साउथ इंडियाज फर्स्ट बायो बैंक हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी. इनमें से कौन सी सिटी में साउथ इंडिया का पहला बायो बैंक को लॉन्च किया गया है. चेन्नई, हैदराबाद, कोची या मैसूरु. इसका सही जवाब है हैदराबाद. हैदराबाद में फार्मास्यूटिकल्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है. तो हैदराबाद इज़ अ वेरी स्मार्ट गेस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है फार्मास्यूटिकल्स या बायोटेक से रिलेटेड. तो अ बायो बैंक होता क्या है. तो अ बायो बैंक हाउसेस टिश्यू सैंपल्स ऑफ अ लैक हेल्दी पीपल टू इनेबल रिसर्चर्स टू स्टडी दी ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीजेस. अगेन हमें ये याद रखना है कि कहाँ पर बनाया ये पहला बायो बैंक साउथ इंडिया का. तो हैदराबाद में. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ExoMars Trace Gas Orbiter Mission is associated with which space agency? ExoMars Trace Gas Orbiter Mission इनमें से किस space agency से associated है. NASA, ESA, ISRO या JAXA. तो इसका सही जवाब है ISRO. European Space Agency, ESA. The ESA ExoMars Trace Gas Orbiter Mission while orbiting around Mars spotted the Martian night sky filled with light in the optical spectrum. अगेन डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि ये मिशन किसका है. ExoMars Trace Gas Orbiter Mission यूरोपियन स्पेस एजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी. डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है. तो आज के उसमें स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ बहुत सारी है तो इनका एक अलग से बंडल बनाकर और अलग से पढ़ भी लीजिएगा. नासा, ESA, ISRO या JAXA. इसका सही जवाब है नासा. नासाज डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस एक्सपेरिमेंट हैज़ अचीव्ड अ माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली ट्रांसमिटिंग डेटा वाया लेज़र टू एंड फ्रॉम बियॉन्ड द मून फॉर द फर्स्ट टाइम. अब इसमें डिटेल्स इंपॉर्टेंट है. क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे. सक्सेसफुली ट्रांसमिटिंग डेटा वाया लेज़र टू एंड फ्रॉम बियॉन्ड द मून फॉर द फर्स्ट टाइम. किसमें कौन से मिशन में किया ये. तो डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स साइन एन अग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू एक्सपोर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल. यूनाइटेड स्टेट्स ने इनमें से कौन सी कंट्री के साथ में एक अग्रीमेंट साइन किया है टू एक्सपोर्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल. फिलीपींस, अफगानिस्तान, श्रीलंका या म्यांमार. इसका सही आंसर है फिलीपींस. US एंड फिलीपींस साइन एन अग्रीमेंट द
that permits Washington to export nuclear technology and material to Manila. Manila क्या है? Philippines की capital. और ADB के headquarters, Asian Development के headquarters कहाँ पर है? Manila में. Washington में कौन से bank के headquarters है? अगर ADB के headquarters Manila में है तो Washington में कौन से bank के headquarters है? ये comment करके बताइए. Which state is the host of Global Fisheries Conference India 2023? इनमें से कौन सी स्टेट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 की होस्ट है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. तो इसका सही जवाब है गुजरात. ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, अ टू डे मेजर इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज इन गुजरात साइंस सिटी इन अहमदाबाद. इनकी कैपिटल्स करते हैं क्विकली. गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी हैदराबाद है और वैसे अमरावती. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द क्लाइमेट फाइनेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज 2013 to 2021? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइमेट फाइनेंस इन डेवलप्ड कंट्रीज 2013 to 2021 को रिलीज किया है? OECD, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड? तो इसका सही जवाब है OECD. OECD ने ये इंडेक्स को रिलीज किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. विच स्कार्स एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड इन द सतलज रिवर? इनमें से कौन सा बहुत ही कम पाया जाने वाला एलिमेंट सतलज रिवर में मिला है? टाइटेनियम, टैंटेलियम, स्कैंडियम, लिथियम. तो इसका सही जवाब है टैंटेलियम. टैंटेलियम वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली इन सतलज रिवर. टैंटेलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 73. Which country has been declared as the chair of the International Sugar Organization for the year 2024? इनमें से कौन सी कंट्री को चेयर डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर द ईयर 2024? आंसर देखिए, उससे पहले मुझे बताओ शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है. शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? कौन सी कंट्री है शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड? इनका आंसर देखते हैं. चलिए, विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024? इंडिया, चाइना, रशिया या USA? तो इसका सही आंसर है इंडिया. इंडिया को रिसेंटली इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का चेयर बनाया है फॉर द ईयर 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन द कंट्री? इनमें से कौन सी पहली ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसे ऑथराइजेशन मिला है टू लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन द कंट्री? वन वेब इंडिया, टेस्ला इंडिया, पिक्सल या ध्रुव एरोस्पेस? आंसर देखते हैं. वन वेब इंडिया, अब सब्सिडरी ऑफ यूटिलास्ट ग्रुप एंड बैक्ड बाय टेलीकॉम कंपनी भारती ग्रुप, अक्वायर्ड अप्रूवल फ्रॉम इंडिया स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस टू लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन द कंट्री. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसका नाम, क्योंकि ये पहली है इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड विच इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द परव्यू ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005? इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को यूनियन गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, यानी हटा दिया है फ्रॉम द परव्यू ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005? RBI, SEBI, CERTAIN या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है CERTAIN. Union government has exempted the Indian Computer Emergency Response Team, CERTAIN, the national nodal agency to deal with cyber security threats like hacking and phishing from the purview of Right to Information Act 2005. Next question पे चलते हैं. Which country's embassy recently announced its permanent closure in India? इनमें से किस country की embassy ने recently अपना permanent closure announce किया है India में? Russia, Afghanistan, Israel या Ukraine? तो इसका सही जवाब है Afghanistan. अफगानिस्तान ने अपनी एम्बेसी जो थी इंडिया में उसे परमानेंटली क्लोज कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इंडियन फर्म मर्लिन हॉक साइंड इटलीज वीगा कॉम्पोजिट्स टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फैसिलिटी इन विच डिफेंस कॉरिडोर? इंडियन फर्म मर्लिन हॉक ने इटली की फर्म वीगा कॉम्पोजिट्स के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फैसिलिटी सेटअप करने की बात करी है. इनमें से किस डिफेंस कॉरिडोर में? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, महाराष्ट्र डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या राजस्थान डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर. कहाँ पर गया है? तो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंडियन फर्म मर्लिन हॉक एयरोस्पेस और जॉइंट वेंचर है किसके साथ? इटली की वेगा कॉम्पोजिट्स के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं.
Which institution released the Faster 2.0 portal? अब अगर आपको पता है कि Faster 1.0 portal किसने निकाला है तो ये सेम ही ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है उसी ने. इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने Faster 2.0 portal को लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, DPIIT या नीति आयोग? तो इसका सही जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इन विच सिटी विल दी एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर भी ऑर्गेनाइज? इनमें से कौन सी सिटी में एक्सपो 2030 वर्ल्ड फेयर को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? आबू धाबी, दुबई, शारजा या रियाद? इसका सही जवाब है रियाद. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द CEO ऑफ ओपन AI? इनमें से किसको CEO रीअपॉइंट करा है ओपन AI का? ओपन AI कौन सी कंपनी है? ओपन AI वही कंपनी है जिसने चैट GPT को बनाया. हुआ ये था कि पहले ओपन AI के बोर्ड ने इन्हें CEO के पोजीशन पे से हटा दिया, इनको किसी दूसरी कंपनी ने हायर कर लिया, फिर दूसरी कंपनी को छोड़कर ये वापस ओपन AI में आ गए. और ओपन AI कंपनी कौन सी है? चैट GPT वाली. सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई, इलॉन मस्क या सत्य नडेला? तो इसका सही आंसर है सैम ऑल्टमैन. सैम ऑल्टमैन हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द CEO ऑफ ओपन AI. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. Which country has named the cyclone Michaung formed in the Bay of Bengal? इनमें से कौन सी कंट्री ने साइक्लोन मिचोंग का नाम रखा है जो कि बे ऑफ बंगाल में बना है? हमने ये कर ही लिया था कि नेमिंग ऑफ साइक्लॉन्स कैसे करते हैं लास्ट क्लास में जब हम हामून की बात करी थी. अब हम मिचोंग की बात कर रहे हैं. बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान या श्रीलंका? तो इसका सही आंसर है म्यांमार. म्यांमार ने नाम रखा है मिचोंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. डैश हैज़ रिसेंटली बीन रिकोगनाइज्ड एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. इनमें से किसको रिसेंटली रिकोगनाइज करा है एज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड? पोम्पे, माउंट मेरू, अंकोरवट या माउंट सुमेर? तो इसका सही आंसर है अंकोरवट. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. इन विच कंट्री इज अंकोरवट टेम्पल विच वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड एज द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड? इनमें से कौन सी कंट्री में अंकोरवट टेम्पल लोकेटेड है जो कि रिसेंटली 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया था? वियतनाम, कैम्बोडिया, चाइना या लाओस? इसका सही आंसर है कैम्बोडिया. अंकोरवट कहाँ पर है? कैम्बोडिया में. और क्या बन गया है वो? तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. हु हैज़ बिकम द 4th इंडियन टू बी ऑनर्ड विद पाकिस्तान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इनमें से किसको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है और वो बन गए हैं 4th इंडियन टू रिसीव दैट अवार्ड? रामधरी सिंह दिनकर, मोहम्मद अयूब खान, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सफुद्दीन या सैयद अहमद खान? तो आइए इसका आंसर देखते हैं. इसका सही आंसर है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये 4th इंडियन बन गए हैं जिन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है. 4th इंडियन. इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट बीन इनॉग्रेटेड? इनमें से कौन सी कंट्री में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट को इनॉग्रेट करा जा रहा है? USA, UAE, UK या फ्रांस? तो इसका सही आंसर है UAE. क्या लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे? तो लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच स्टेट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन? इनमें से कौन सी स्टेट ने रिसेंटली सेफ सिटी प्रोजेक्ट चालू किया है फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या गुजरात? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन. उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हुज नेम हैज़ रिसेंटली बीन अनाउंस्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल? इनमें से किसे रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, सुनील गावस्कर या राहुल द्रविड़? तो इसका सही आंसर है सौरभ गांगुली. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन विच स्टेट हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द नेशनल एजुकेशन कैंपेन नेम्ड न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया? इनमें से कौन सी स्टेट में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल एजुकेशन कैंपेन न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया को लॉन्च किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल? इसका सही आंसर है उड़ीसा. उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता. फिर से कैपिटल सारी सबको टिप्स पे होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार इज ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच ऑर्गेनाइज करी जा रही है? फ्रांस, इसराइल, रशिया या USA?
तो इसका सही जवाब है यूएसए. वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है. हमने लास्ट क्लास में युद्ध अभ्यास करी थी जो भी, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच हो रही थी, तो ये भी इंडिया और यूएसए के बीच हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड. इनमें से कौन पहले इंडियन बन गए हैं टू विन इंटरनेशनल एमी अवार्ड? जाकिर खान, अनुभव सिंह बस्सी, आकाश गुप्ता या वीरदास? इसका सही जवाब है वीरदास. वीरदास को क्या मिला है, वीरदास क्या बन गए हैं? पहले इंडियन टू विन इंटरनेशनल एमी अवार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अटल इनोवेशन मिशन हैज साइंड एन अग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप. अटल इनोवेशन मिशन ने इनमें से किस कंट्री के साथ में अग्रीमेंट साइन किया है टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप? फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच टीम वन द टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? एज मच एज आई वॉन्ट टू से इंडिया, दिल सबका एक साथ टूटा था और सबको इसका आंसर पता है, ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट? इनमें से कौन सी कंट्री होस्ट करेगी सेकेंड एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट? युगांडा, इंडिया, फिजी, साउथ अफ्रीका? हमने ग्लोबल साउथ की बात करी थी कि ब्रांडेड लाइन से जो डिवाइड होता है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ, तो उसी की बात कर रहे हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट. तो इसका सही आंसर है इंडिया. इंडिया विल होस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सबमिट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच स्टेट हैज रिसेंटली इशूड एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन? इनमें से कौन सी स्टेट ने रिसेंटली ऑर्डर इशू किया है टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट डॉल्फिन? उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या गोवा? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु. तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर इशू किया है. और स्टेट अक्वेटिक एनिमल किसने बनाया है गंगेटिक डॉल्फिन को? तो उत्तर प्रदेश ने. उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, गोवा की कैपिटल पणजी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. वेयर इज 2+2 फॉरन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग बींग ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? कहाँ पर 2+2 फॉरन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच ऑर्गेनाइज हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? मुंबई, न्यू डेली, वॉशिंगटन DC या न्यूयॉर्क? तो इसका सही आंसर है न्यू डेली. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव ऑर्गेनाइज? गंगा उत्सव का 7th एडिशन इनमें से कौन सी जगह में ऑर्गेनाइज कराया गया है? वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर या न्यू दिल्ली? तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में से कौन सी नदी बहती है या न्यू दिल्ली कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया रिसेंटली साइंड मोबिलिटी एंड माइग्रेशन अग्रीमेंट? इनमें से कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंटली मोबिलिटी एंड माइग्रेशन अग्रीमेंट साइन किया है? इटली, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया? इसका सही जवाब है इटली. इटली के साथ हमने क्या साइन किया है? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन अग्रीमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI सेफ्टी सबमिट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? इनमें से कौन सी कंट्री में वर्ल्ड की पहली AI सेफ्टी सबमिट ऑर्गेनाइज करी जा रही है? यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, स्पेन, फ्रांस? इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इतना ही था आज के लिए. वी हैव डन विद आर 50 क्वेश्चंस फॉर नवंबर 2023. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन गुड लक.